सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाए, ठीक, यहाँ से फोटो एल्बम में इंसर्ट सेव, ठीक, एक रेक्टेंगल ऐसे पहले बड़ा सा बना दिया, ठीक है। फॉर्मेट पे गए, सेव फिल पे गए, टेक्सचर पे गए, इनमें से जो भी स्टाइल तुमको चाहिए वो ले, ठीक। आप फिर से इंसर्ट पे गए, सेव पे गए, यहाँ से ऐसे एक रेक्टेंगल बना है, ठीक। यहाँ से इस पे ऐसे ग्रे स्केल कर लेते हैं, ठीक है, जैसा बोर्ड का होता है, यहाँ से नौ और ब्लैक कर दें, ठीक। फिर इंसर्ट पे गए, सेव पे गए, यहाँ से एक लाइन ली, ऐसे बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कराते, हो गई। फॉर्मेट पे जाना है, सेव फिल पे जाओ, यहाँ से इस लाइन को पहले मोटा कर लिया, फिर इस पे वाइट कलर जैसे बीच में ना रहता है वो आधी आधी ऐसे कटे रहती है, तो यहाँ से ऐसे बन गए रूट की तरह का, ठीक। अब क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अरेंज पे जा करके यहाँ से ग्रुप कर दो, आप दोनों यहाँ पे क्लिक करो, ग्रुप कर दो, ये दोनों एक हो गए। फिर से ऐसे इसका डुप्लीकेट नीचे रखते हैं, ठीक, दो डोड हो गए। अब इसको छोटा करते हैं, अब इसको यहाँ से हल्का सा रोटेट कर, ठीक, जोड़ दें। ठीक, तो ऐसे बन गई, ऐसे बन जाएगा। अब इंसर्ट पे जाए, फ्लिप पार्ट पे जाए, यहाँ पे लिखा पैनल, फिर दूसरा हमको चाहिए था टेम्पल, तो यहाँ पे टेम्पल लिख के गो कर दे, छोटा किया, फोटो के अकॉर्डिंग सेव कर दे, कार पर रख लिया यहाँ, ठीक। पहले ऐसा डिजाइन बना लिया, अब एनिमेशन पे गए, ऐड एनिमेशन पे गए, यहाँ से क्लिक करें, सबसे नीचे आओगे तो मिलेगा क्या, लाइन एनिमेशन, ठीक है। जब तुम लाइन एनिमेशन लगाओगे तो कार नीचे की ओर जाने लगेगी, तो इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड, ठीक है। रेड का मतलब है स्टॉप पॉइंट और ग्रीन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको ऐसे सीधा बेचारे को सेट कर, तब कार तुम्हारी सीधी रहेगी। एनिमेशन पेन ले लोगे तो यहाँ से आप तुरंत प्रीव्यू देख सकते हो, प्ले करो सारे सीधे। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये स्पीड बहुत तेज है तो आप यहाँ से इसका टाइमर बढ़ा दोगे, जितना टाइमर ज़्यादा होगा उतनी स्पीड धीरे हो जाएगा, ओके। यहाँ से क्या कर लोगे, विद प्रीवियस, ठीक। अब ये एक स्लाइड हमारी बंद, अब गाड़ी हमको ऐसे लेके जानी है, तो हम यहाँ पे स्लाइड पे पहले क्लिक करें, फिर कंट्रोल के साथ डी दबा देंगे, डुप्लीकेट आ जाए, ठीक, इसको हटा देते हैं। अब क्या किया, हमने कार को लिया, उठाया, यहाँ रखा, और यहाँ से हमने इसको ऐसे रोटेट करा, रोटेट कराने के बाद इसको हमने लिया,
तो अब गाड़ी हमारे यहाँ से ऊपर पुल की तरफ चढ़ा, फिर क्लिक किया कंट्रोल डी किया, अब फिर से गाड़ी को उठाया, यहाँ तक पहुँचा दिए, ठीक है ऐसे नहीं लगे, अभी तो ये हवा में उड़ रही है तो इसको सीधा कर सकते हैं, यहाँ पे चाहिए वहाँ से चाहिए, अब क्या करना है इसके बाद ट्रांजिशंस पे आओगे, यहाँ से ऑन माउस क्लिक हटा दोगे, ठीक है टाइमर लगाओगे वन, इसका मतलब होता है इतनी देर बाद स्लाइड अपने आप चेंज हो जाएगी, अप्लाई टू ऑल पर आप स्लाइड शो करा के देखोगे इस तरह से तुम्हारी गाड़ी अपने, ठीक लास्ट वाले साइड में थोड़ी सी गाड़ी बनाई टेढ़ी आ गई ना, फिर से गाड़ी थोड़ा सा आराम से इसके बाद जैसे अगर हम चाहते हैं कि एनिमेशन कंटिन्यू चलता है, अभी जब स्लाइड शो कराते हैं तो तीन बार गाड़ी जाने के बाद देखो लाइट बदल, ठीक यहाँ से जाने के बाद अभी रुक बदल गई, ऐसा दिखा नहीं बंद कर दी स्लाइड, अगर तुम चाहते हो कि बंद ना तो क्या करते हैं स्लाइड शो पे जाते हैं, सेटअप स्लाइड शो पे जाओ, यहाँ से लूप कंटिन्यू अंटिल स्केप की दबाओ, तो जब तक स्केप की नहीं दबाओगे तब तक ये रुकेगा, स्लाइड शो कराओ इस तरह से चला